हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश किचन। आज हम बनाएंगे बटर पनीर, जिसे पनीर मखनी भी कहते हैं। हम इसे बिना प्याज और लहसुन के बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कैश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बटर पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर 400 ग्राम, इन्हें क्यूब्स में काट लें। फ्रेश क्रीम 1 टेबलस्पून, इसकी जगह आप फ्रेश मलाई भी फेंट कर यूज़ कर सकते हैं। बटर 2 टेबलस्पून, टमाटर 3 कटे हुए, गरम मसाला आधा टीस्पून, अदरक 2 इंच, हरी मिर्च 3, काजू 15 पीस, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, देगी मिर्च आधा टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या स्वादानुसार। सबसे पहले गैस में पैन को गरम कर लें। अब फ्लेम को कम कर दें। अब उसमें बटर, और टमाटर डालकर अच्छे से स्टर कर लें। अब उसमें अदरक और हरी मिर्च डालकर स्टर कर लें। अब उसमें काजू डालकर स्टर कर लें। इसे तब तक कुक करें जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें और ये मिक्सचर को ठंडा होने दें। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए, उसे एक ग्राइंडर जार में डालकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। अब उसी पैन में पेस्ट को वापस डाल दें। और उसमें आधा कप पानी डालकर अच्छे से स्टर कर लें। जब ग्रेवी में बॉयल आने लगे, उसमें लाल मिर्च देगी मिर्च हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और 1 मिनट तक कुक होने दें। अब उसमें गरम मसाला डालें और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लें।
अब उसमें पनीर डालें और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और इसे 2 मिनट तक कुक होने दें ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। अब उसमें कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। और गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब उसमें फ्रेश क्रीम या मलाई डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। लीजिए, बटर पनीर तैयार है। इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लें, इसे सर्व करें और एंजॉय करें।